सर्वप्रथम समस्त विद्यार्थियों का अभिनंदन और अभिवादन। विद्यार्थियों, कक्षा 10 व 12 में पाठ्यक्रम में साहित्यकार, जिसके अंतर्गत कवि व लेखक का 4 अंक का साहित्यिक परिचय संबंधित प्रश्न निश्चित रूपेण प्रतिवर्ष आया करता है। इस हेतु मैं आपको आज भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा के कवि कुल भास्कर महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का साहित्यिक परिचय का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। प्राय विद्यार्थियों की ओर से किसी भी साहित्यकार का साहित्यिक परिचय एक गद्यांश रूप में, पैराग्राफ रूप में दे दिया जाता है, तो परीक्षक 4 में से मुश्किल से 1-1.5 नंबर भी मन मार कर देता है। उसी प्रश्न के प्रत्युत्तर को यदि बिंदुवत लिखा जावे और उसमें शुद्धता, स्पष्टता और सुलेख के साथ यदि प्रस्तुतिकरण हो, तो परीक्षक उस बिंदुवत साहित्यिक परिचय से प्रभावित होकर 4 में से 4 अंक बिना किसी हेजिटेशन के विद्यार्थियों को देगा और खुशी महसूस करेगा, क्या विद्यार्थी का प्रत्युत्तर है। आज मैं आपको वही तरीका समझाने जा रहा हूँ जिसका आप अक्सर से पालन करें। समझिए, किसी भी साहित्यकार के साहित्यिक परिचय के लिए 7 बिंदुओं का होना नितांत अनिवार्य है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ पैलेस, अर्थात जन्म तिथि एवं जन्म स्थान। तदुपरांत परिजनों का नाम, मीन्स माता पिता का नाम। इसके उपरांत शिक्षा दीक्षा एवं संबंधित गुरु का नाम। तदुपरांत इतना होने के बाद वे लेखक रचनाएं रचेंगे, तो कवि या लेखक की प्रधान रचनाएं। इसके बाद व्यक्तित्व, अर्थात कवि के जीवन की निजी विशेषताएं, और फिर इन सब के होने के बाद वे अपने व्यक्तित्व, अपने कार्य कुशलता आदि के आधार पर समाज से या अन्य किसी साहित्य संस्थान से उन्हें जो सम्मान दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, तो सम्मान व पुरस्कार, और अंत में होता है देहावसान या निधन। किसी साहित्यकार की, किसी महापुरुष की, किसी महात्मा की मृत्यु नहीं लिखी जाती, निधन या देहावसान लिखा जाता है। विद्यार्थियों, जिस भांति अपन निबंध लिखते हैं, तो उस निबंध को कहानी रूप में न लिख करके बिंदुवत लिखते हैं। सर्वप्रथम रूपरेखा, उसके बाद के अंतर्गत प्रस्तावना या भूमिका, फिर निबंध का अर्थ या स्वरूप, निबंध में सहायक बिंदु और अंततः उपसंहार। तो उस निबंध में 4 चांद लग जाते हैं और वह परीक्षक को प्रभावित करता है। ठीक उसी भांति यहाँ इन 7 बिंदुओं को लिखकर क्रमशः उनका विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो परीक्षक शुद्धता और स्पष्टता से लिखे लेख से बाग बाग होकर और आपको पूरे अंक देगा। मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैं आपको जो लिख रहा हूँ वो अपने आप में सार रूप में शॉर्ट एंड स्वीट है। मैं इसकी पूरी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने, केंद्रित होकर सुने। जन्म तिथि एवं जन्म स्थान, भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के कवि कुल भास्कर महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदापुर जिले के राजापुर ग्राम में सन 1532 ईस्वी या सम्मत 1589 में हुआ था। बिटवीन डिफरेंट
इन सन और सम्मत। स्टूडेंट्स 57 ईयर्स डिफरेंट, सम्मत 57 साल आगे, सन 57 साल पीछे, तो 32 में 57 वर्ष जोड़ते 1589 आ जाते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज न होएं। ये हुआ कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म स्थान और जन्म तिथि। तदुपरांत परिजनों या माता पिता का नाम, तो इनका अभुक्त मूल नक्षत्र इट मीन्स अशुभ समय में जन्म होने के कारण माता हुलसी व पिता आत्माराम दुबे तथा पत्नी रत्नावली जो इनकी परिजन है। तो पहले आप माता पिता के विषय में समझे, रत्नावली जो इनकी अर्धांगिनी होती है उनके विषय में मैं आपको तदुपरांत बताऊंगा। माता हुलसी ने अशुभ समय में जन्म होने के कारण इनको परिवार के लिए घातक मानकर और एक अपने आप में कहा जाए दासी के पास पालन पोषण हेतु छोड़ दिया और उन्होंने पालन पोषण किया तथा जिसका नाम था मुनिया नामक दासी, और फिर इन्हें बाबा नरहरियानंद के आश्रम में छोड़ दिया। उन्होंने इनका पालन पोषण किया और बचपन का नाम रखा राम बोला। तो शायद आप समझ चुके होंगे ये इनके परिजनों की स्थिति। शिक्षा दीक्षा इनके गुरु बाबा नरहरिदास या नरहरियानंद थे जिन्होंने बचपन का नाम राम बोला रखा तथा इन्हें राम भक्ति से अवगत करवाया। बाल्यावस्था से किशोर और किशोर अवस्था से यौवनावस्था तक निशिवासर अप टू हावर्स राम 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 रटते रहते, तो लोगों की ओर से कहा गया बड़े राम के भक्त हो रहे हैं। तो इन्होंने उनकी परवाह न की और उसी समय इन्होंने कहा अपने रचना रत्नावली में क्या कहा, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाह कहो को काहू की बेटी सो बेटा न बाहू बिकाहू की जाति बिगारे न सोहू तुलसी सर नाम गुलाम है राम को जाके रुचे सो कहे कछु को मांगे के खाइबो मसीते को सोइबो लेबे को एक न देबे को दो। विद्यार्थियों आप कविताली जो इनकी रचना पढ़ेंगे तो ये राम के अनन्य उपासक और रात दिन राम राम रटते, तो समाज के अंदर कई लोगों की ओर से इनके पर फब्तियां कसी गई बड़े राम के गुलाम हो रहे। तो इन्होंने कहा चाहे मुझे दूत दुष्ट कहो अवधूत सन्यासी कहो राजपूत कहो चाहे जुलाहे परिवार कहो कुछ भी क्यों ना कहो मुझे किसी की बेटी के साथ बेटे का संबंध तो करना नहीं है, मैं तो प्रसिद्ध राम का गुलाम हूँ, जाको जो मेरे विषय में कहने की रुचि हो निसंदेह निसंकोच क्यों ना कहो, मैं भगवान राम के नाम पर मांग के खाता हूँ मस्ती सोता विश्राम करता हूँ मुझे आपकी बातों की कोई परवाह नहीं है। तो ऐसी स्थिति अब जैसे ही किशोर अवस्था से विद्यार्थी यौवन अवस्था में पदार्पण करते हैं तो इनका दीन बंधु पाठक नामक युवक की सुकन्या नव मेष सालिनी रत्नावली के साथ इनका दाम्पत्य संबंध स्थापित होता है। विद्यार्थियों विवाह पूर्व जितने राम भक्ति के प्रति आसक्त थे आफ्टर देन मैरिज विवाह तदुपरांत राम भक्ति से तोली विरक्ति, पत्नी के प्रति इतनी अति आसक्ति हुई कि जितने पहले राम भक्ति में निमग्न थे उतने पत्नी मोह में डूब गए। तो अति सर्वत्र वर्जित अत्यधिकता हर काम की खराब होती है। कहा भी गया अतिग्रवेण वही रावण अति रूपेण वही सीता अति बलिवर्दो वही दानाए अति सर्वत्र वर्जित। अतिग्रवेण वही रावण रावण का अति अभिमानी होना, राम की ओर से चूरण, अति रूपेण वही सीता सीताजी का अत्यधिक रूपति होना, आगे की स्थिति से आप वाकिफ हैं। अति बलिवर्दो दान राजा बलि का अत्यधिक दानी होना, अंत तो क्या हुआ अति सर्वत्र वर्जित अत्यधिकता हर काम की खराब होती। तो पत्नी रत्नावली ने कहा कि हे कामुक प्रवृत्ति वाले गोस्वामी तुलसीदास जो मेरा शरीर हाड़ और चाम का है अर्थात हड्डी और चमड़ियों से निर्मित है उसके प्रति आप कितनी आसक्ति, काश ऐसी आसक्ति
ऐसा ही मोह भगवान राम की भक्ति में होता तो आपको किसी तरह का इस संसार सागर में डर वह नहीं होता, मोक्ष प्राप्त होता। उन्होंने इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास को भर्सित, अपमानित, फजीहत, प्रताड़ित किया और कहा, अस्ति चर्मम देहेसु तासो इतनी प्रीत, ऐसी प्रीत होती श्री राम सु होते न भवी। कहा कि हड्डी और चमड़े से निर्मित इस शरीर से इतना प्यार, प्रेम, आसक्ति भाव है, काश ऐसी भगवान राम की भक्ति में होती तो आपको संसार सागर में किसी प्रकार का डर भय नहीं होता। रत्नावली का इस भांति तुलसी को भर्षित किया जाना, उनके हृदय चक्षु खुलना, पुनः बाबा नारायण दास के आश्रम में आना और विश्व के करोड़ों घरों में धार्मिक एवं पूजा की दृष्टि से माना जाने वाला ग्रंथ रामचरितमानस प्रबंधात्मक महाकाव्य की रचना, साथ ही कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, संदीपनी प्रज्ञा, इस तरह से इनकी प्रमाणिक रचनाएं हैं। कुल तुलसीदास की 40 रचनाएं साहित्यिक जगत में प्रकाशित हुई, उनमें से ये प्रधान रचना है। तो इनका जो व्यक्तित्व है, निजी विशेषता है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, सूर शशि तुलसी रवि उडगण केशव दास, आपके कवि खद्योत सम जयते करत प्रकाश। यदि हिंदी साहित्य आकाश में भक्तिकालीन कवि कुल कुमुद कलाधर भक्त रसिक शिरोमणि महाकवि सूरदास का साहित्य चंद्रमा की चांदनी के समान दैदीप्यमान है, तो तुलसीदास जी का साहित्य सूर्य के समान प्रकाशवान है। उड़गण केशव दास और रीतिकालीन कवि केशव दास का काव्य उड़कते तारे गणकते समूह, जिल मिलाते टिमटिमाते तारों के प्रकाश के समान, और आधुनिक युगीन कवियों का काव्य खद्योत्सम जुगनों के समान, पुच्छल तारे के समान, धूमकेतु के समान है, जैते करत प्रकाश, यहां वहां छिटपुरसा प्रकाश प्रदान करता है। अब है बच्चों, इनके विषय में अगर कहा जाए तो इन्होंने भगवान राम का आद्योपांग सांगोपांग आदि से अंत तक अंगों सहित जो वर्णन किया है वह हिंदी साहित्य आकाश में अपने आप में अनूठा, अतुलनीय, बेजोड़ माना जाता है। अब सम्मान रूप में मैं इसी बात को दोबारा समझा देता हूं कि सूरदास जी का साहित्य चंद्रमा की चांदनी के समान प्रकाशवान है, तो तुलसीदास का काव्य सूर्य के प्रकाश के समान है, और रीतिकालीन कवि केशव दास का काव्य, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है, उनका काव्य आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों के समान है, और आधुनिक युगीन कवियों का काव्य पुच्छल तारिया धूमकेतु के तारे के समान है, जो यहाँ वहाँ छिटपुट सा प्रकाश प्रदान करता है। मैं इस पंक्ति का फिर से पुनरावृत्ति दे रहा हूँ आपको, सूर शशि तुलसी रवि उड़गण केशव दास अबके कवि खद्योत सम जयते करत प्रकाश। अंततः महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के निधन के विषय में कहा गया, सम्मत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। सम्मत 1680 गंगा नदी के किनारे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने अपना देह त्यागा, उनकी आत्मा ब्रह्मलीन हुई। ये हुआ विद्यार्थियों महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का साहित्यिक परिचय। कक्षा 10 के अंतर्गत पाठ संख्या 2 में और कक्षा 12 में पाठ संख्या 1 में संतवाणी शीर्षक में कवि का साहित्यिक परिचय संबंधित जो प्रश्न आता है आपको इसी भांति प्रत्युत्तर देना है, ताकि परीक्षक प्रभावित हो और आपको पूरे अंक दे सके। मैं जहां तक समझ पाया हूं आपको जो समझाया गया है और आपके लिए जो शॉर्ट नोट्स लिखा है ये आपको बखूबी से समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।